दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों का फैसला हो सकता है। माना जा रहा है कि आज ही कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। दिल्ली में हो रहे इस बैठक में एमपी के सीएम मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। सूत्रों की माने तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की कुछ वीआईपी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। माना तो ये भी जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को भोपाल से या विदिशा से, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर से टिकट मिल सकता है, जबकि नरोत्तम मिश्रा भी ग्वालियर और भोपाल से दावेदार हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की ये पहली बैठक है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में तकरीबन 100 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों को लेकर मुहर लग सकती है। सूत्रों की माने तो पहली लिस्ट में पीएम मोदी के साथ ही साथ एमपी से शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया जैसे नेताओं के नाम भी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ज्यादातर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है, ताकि उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए वक्त मिल सके। अभी हाल ही में हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावों में भी बीजेपी ने इसका प्रयोग किया था, जो काफी सफल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।